अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको YouTube चैनल पे। इंग्लिश 501 GDB सॉल्यूशन जो क्लोज़ हो रही है 4 दिसंबर को, यानी 4 दिसंबर से पहले पहले आपने उसको वहाँ पर कमेंट जो बॉक्स है GDB का, वहाँ पर आपने इसको पोस्ट करना है। अभी ये ओपन नहीं हुई, ये 3 दिसंबर को ओपन होगी। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि सलमा हाइक राइट्स, आई केम हेयर एंड रियलाइज्ड हाउ ट्रूली लिमिटेड माई इंग्लिश वॉज and it was very scary. I soon realized it wasn't going to be hard to learn, it was going to be nearly impossible. What is your opinion about the English language? ऊपर इन्होंने आपको मुकालमे का टॉपिक दिया है जिसमें सलमा हायक की कुछ बातें बताई गई है कि उसने इंग्लिश के बारे में क्या कहा। तो पहले तो उसने कहा कि इंग्लिश बड़ी लिमिटेड है, स्केरी है, मुश्किल है सीखना, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो आप क्या समझते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज आपके ओपिनियन में कैसी है? आपका कमेंट 150 से 200 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, बैलेंस रखना आपने। 4% इसकी वेटेज होगी फाइनल असेसमेंट में। रेलिवेंट होने चाहिए, आपके आइडियाज़ ओरिजिनल होने चाहिए, किसी से आपने बोरो ना किए हो उन आइडियाज़ को। इसके अलावा आपने GDB को GDB में ही पोस्ट करना है, MDB में या कहीं और ईमेल वगैरह में जाके पोस्ट नहीं करना। इसके अलावा आप इंग्लिश 509@vu.edu.pk यहाँ पर ईमेल करके कुछ सवाल पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दी GDB। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, दो दफ़ा पोस्ट नहीं करना। और आखिरी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट नो मार्क्स विल बी गिवन अवॉर्डेड फॉर प्लैगरिज्म। प्लैगरिज्म का मतलब ये कि आपने किसी वेबसाइट से या किसी आर्टिकल से आपने इसको नहीं छुपाना, नहीं चुराना, आपने इसको अपना ओरिजिनल आइडिया लिखना है। डिस्क्लेमर ये कि ये एक डेमो आपको दिया गया है जो इस वीडियो में, आपने इसको 100% कॉपी नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया है। अगर आप इसे 100% कॉपी करेंगे तो ऑब्वियसली प्लैगरिज्म उसको अवॉर्ड किया जाएगा और 0 मार्क्स आपको मिलेंगे। लिहाजा सिनोनिम्स चेंज करने के लिए मैंने आपको एक तरीका सिखाया। आप अगर MS वर्ड यूज़ करें, आप यहाँ पर भी सिनोनिम्स चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ इसको क्लिक किया और यहाँ सिनोनिम्स इसके काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। आप इसको यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, या फिर मैंने इंग्लिश 101 की मुतल्लिक एक वीडियो बनाई है जो मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ पर मैंने एक बताया है, सॉफ्टवेयर बताया है जहाँ पर पूरा सेंटेंस जो है वो चेंज हो रहा है। तो मैंने लिखा है इसको, मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा कि मेरा ख्याल है कि इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत ही वियर्ड, हैरानकुन और फैंटास्टिक बीस्ट है। ये वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। इसके जो रिटन फॉर्म है वो फोनेटिक नहीं, आप उसको पढ़ नहीं सकते, उसको प्रोनाउंस नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत से लैंग्वेजेस के वर्ड्स शामिल हैं और बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम मीनिंग है। इंग्लिश एक वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज, स्कॉटिश, स्कैंडिनेवियन, ओल्ड नॉर्मन, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, नॉर्स, कैरिबियन, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, सब इन्फ्लुएंसेस इस लैंग्वेज पर आ चुके हैं। इंग्लिश का कोई सेट प्रोनाउंसिएशन, कोई डायलेक्ट नहीं है, यूनिवर्सल स्पेलिंग है इसकी ना ही, और इनक्रेडिबली रिच, डाइवर्स और एडजस्टेबल, यानी आप इसको आसानी से लर्नेबल लैंग्वेज है। दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज जिसके वर्ड्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए काफ़ी मुश्किल भी है इसको समझना, लेकिन यहाँ नए वर्ड्स बनाना बहुत ही आसान काम भी है। पॉसिबली वर्ड्स को जो एक एग्जांपल के तौर पर प्रॉमिस के लिए जो वर्ड है इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा नंबरलेस वर्ड्स हैं इंग्लिश में, स्वेयर वर्ड्स जिनको हम कहते हैं। इससे साबित होता है कि इंग्लिश काफ़ी पोलाइट लैंग्वेज भी है, ना ही इसमें केसेस है, ना जेंडर है, ना वर्ड एग्रीमेंट है, और इसके जो ग्रामर सिस्टम है वो भी बहुत ही सिंपल है। कुछ मुश्किल भी हैं ऑब्वियसली इसको सीखने में, कुछ इररेगुलर वर्ब्स हैं जिनको याद करना पड़ता है, फ्रेजल वर्ब्स, idioms वगैरह को, लेकिन इन तमाम डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद इंग्लिश इस दुनिया में सबसे आसान ज़ुबानों में से एक शुमार की जाती है। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इस वीडियो का। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और इसके सिनोनिम्स चेंज कर देने हैं, सेंटेंस की सिमेट्री चेंज करके आपने इसको पेस्ट कर देना है कॉमेंट बॉक्स में GDP के। थैंक यू।